दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जिसको किसान भाई सबसे ज्यादा सकिंग पेस्ट यानी जो रस चूसक कीट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा किसान भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं बायर कंपनी का कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों ये जो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड है ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि कॉन्फिडोर क्या है और इसमें क्या कंपोजिशन है, उसके अलावा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है यानी फसल में स्प्रे करने के बाद कैसे कीटों के ऊपर काम करता है और कीटों को मारता है, उसके अलावा इसको हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इसको फ़ायदा क्या है, कब कैसे और कितने मात्रा में हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं, इसका डोज कितना है और प्राइस कितना है, पूरे डिटेल्स में मतलब बायर का कॉन्फिडोर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर का कॉन्फिडोर क्या है। कॉन्फिडोर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी विभिन्न प्रकार कीटों को कंट्रोल करता है, किसी एक प्रकार कीटों को ये नहीं कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक यानी जैसे पौधे के अंदर चला जाता है और पौधे के अंदर जाके ये काम करता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अब दोस्तों बायर में कॉन्फिडोर की अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो कॉन्फिडोर में आप लोगों को इमिडाक्लोरोपिड 17.8% जो कि SL फॉर्म पे मिलता है यानी सोल्यूबल लिक्विड फॉर्म पे। इमिडाक्लोरोपिड एक न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप का केमिकल है जो कि न्यूनिकोटिनोइड के ग्रुप के अंदर बहुत सारे टेक्निकल मिलता है, जैसे कि फिप्रोनिल देखने को मिलता है, एसिटामाप्रिड देखने को मिलता है या फिर थायमेथोक्सम मिलता है। तो इस प्रकार बहुत सारे टेक्निकल आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन इमिडाक्लोरोपिड भी एक न्यूनिकोटिनोइड ग्रुप का टेक्निकल है। अब इमिडाक्लोरोपिड को फर्स्ट टाइम बायर कंपनी ने प्रोडक्ट को तैयार किया जो कि 1990 साल में, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से किसान भाई इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात आती है कॉन्फिडोर का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कॉन्फिडोर को जैसे हम लोग किसी फसल में स्प्रे करते हैं तो ये फसल के ऊपर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडोर को स्प्रे करने के बाद कीटों के अंदर जाके नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को पैरालाइज करके भूखा मार देता है, जिससे कीट धीरे धीरे मर जाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्फिडोर फसल के ऊपर काम करता है। आप दोस्तों कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करता है कॉन्फिडोर, यानी इसका इंसेक्ट कंट्रोल क्या है। तो कॉन्फिडोर को स्प्रे करने के बाद जैसे कि एफिड्स को कंट्रोल करता है, जेसिड्स को कंट्रोल करता है, उसके अलावा थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है यानी सफ़ेद मक्खी जो होता है उसको कंट्रोल करता है, सभी प्रकार होपार को कंट्रोल करता है, सभी प्रकार लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है, और रेड पम्पकिन बीटल जो कद्दू लौकी खीरा में ज़्यादा लगता है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। यानी जितने प्रकार की सकिंग पेस्ट होता है सभी को आसानी तरीके से ये कंट्रोल करता है। अब दोस्तों इसका क्रॉप स्प्रे की अगर बात करेंगे तो यानी कौन कौन सी फसल में हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो दोस्तों कॉन्फिडोर को बेसिकली आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग कब कैसे और कितने मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं यानी इसका डोज कितना है, तो कॉन्फिडोर को आप लोग को 10 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी सारे किसानों का मन में सवाल आती है, क्या हम इसके साथ किसी दूसरे फंगिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्या दूसरे इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग कॉन्फिडोर के साथ किसी भी फंगिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी टॉनिक को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कॉन्फिडोर का प्राइस की अगर बात करेंगे तो कॉन्फिडोर का मार्केट में आप लोगों को 50 ml का जो फाइल देख रहे हैं आप, इसको आप लोगों को 160 रुपये में आसानी तरीके से मार्केट में मिल जाएगा, और इसका जो रेट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे इधर 50 ml का 160 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों बायर का कॉन्फिडोर के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।